गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो, आई एम अनुप सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड द लाइट। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आईज। फर्स्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट ऑन आवर कॉर्निया ऑफ आवर आईज। कॉर्निया पे रिफ्लेक्ट होती है। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी that travels in the form of waves. Form of energy है, लेकिन जब ये travels करती है तो wave form में करती है। Light is non-mechanical wave. Why? Because of light has not need to a medium. Light को कोई medium की जरूरत नहीं होती है। Speed of light in vacuum is 3×10^8 meter per second. The wavelength of visual light ranges from 4×10^-7 मीटर टू 8×10^-7 मीटर। मतलब जो विजुअल लाइट होती है उसकी रेंज क्या है, 4×10^-7 मीटर टू 8×10^-7 मीटर। इसमें से क्या है, जो एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकलते हैं, लाइक दैट लाइट इज मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। हाय, बिकॉज ऑफ लाइट हैव नॉट नीड टू एनी मीडियम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10^8 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट रेंज? इट इज 4×10^-7 मीटर टू 8×10^-7 मीटर। नाउ वी आर going to discuss about next topic. Now we are seeing the image. First of which is called the image, when a number of rays starting from any object after reflection or refraction they meet or intersect at any other point, this point is known as the image, or this point we get image. This point we get इमेज। तो जनरली क्या है, कोई ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्टिव से नंबर ऑफ रेस पासिस हो रहे हैं और रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी दूसरे अनदर पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, उसका इमेज मिलेगा। एट दैट पॉइंट वी गेट ए इमेज। सीन हियर, सपोज इट इज ए कॉनकेव मिरर। इट इज कॉनकेव मिरर। It is a pole, it is a focus, it is a center of the curvature. Now, if the any object at infinity, any object, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गए, इस पर इसका मिल रहा है इमेज। इमेज इसका कहाँ मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, फोकस पे इसका, क्योंकि फोकस पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ रेस स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दे मीट और इंटरसेक्ट एनी अदर पॉइंट, दिस पॉइंट वी गेट एनी इमेज। अ ग्रुप सच रेस ऑफ लाइट इज कॉल्ड द अ बीम ऑफ लाइट। जनरली रियल इमेज हैव टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। विच इज कॉल्ड द रियल इमेज? If the number of rays starting from any object after reflection or reflection they did not meet, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, मिलेंगे नहीं, मीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, they did not intersect means sorry they meet, then it can be obtained on screen, which is called the real image. Then a number of rays starting from on a object after reflection or refraction meet at any other point, this point we get a image. उसमें जो इमेज मिलेगी वो क्या होगी, रियल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज क्या होगी, जो रियल इमेज होगी वो क्या होगी, स्क्रीन पे ऑप्टेन होगी, कैन ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। When a number of rays starting from of any object after the reflection or refraction they did not meet any other point or they did not intersect at any other point, then
the image is not obtained on screen. तो image होगा पहले screen पे obtained नहीं होगा. obtained नहीं होगा तो image कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा. रियल इमेज होगा. उसके लिए क्या जो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो रेस है वो क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. एनी पॉइंट पे वो मीट करेंगे. और वर्चुअल होगी तो और रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उसका जो इमेज है स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा. जनरली विच इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन देन इंसिडेंट रे. इट इज ए इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट ऑन एनी सरफेस. सरफेस कैन बी स्मूथ और देन इट रिफ्लेक्ट. दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन हैव जनरली टू टाइप्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. विच इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन देन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन शाइनिंग स्लैम और स्मूथ सरफेस. द बीम remains parallel after the reflection in a specific direction. Means it is the reflective rays. तो जो भी ये rays है ये क्या एक दूसरे के parallel है और इनका जो surface है surface कैसा है? Smooth है, polished है. कैसा surface है? Smooth, polished surface है. इसके लिए regular reflection के लिए smooth and polished surface. Then they remains parallel in specific direction. Next is the irregular reflection. Which is called the irregular reflection. The reflected beam of light does not remain parallel in specific direction, but spreads over wide the region. Over wide the region. It is a irregular reflection because of their it is a rough surface. It is a rough surface for irregular reflection. This means the reflected beam of light does not remain in parallel in a specific direction but spreads over a wide region. So it is a known as the irregular reflection. Ready. Now we discussed about the law of reflection. Generally there are two laws of the reflection. First is incident angle is equal to the reflected angle. Another is incident ray. The normal to the mirror at point of incidence and the reflected ray lies on the same plane. Means it is a polished smooth surface. Means it is a regular reflection. When the reflected ray, it is a incident ray. It is a reflected ray. Ray, angle of incidence I theta, angle of incidence R theta. Means first is incident angle is equal to the reflected angle. It is incident angle I theta is equal to the reflected angle. Means I theta is equal to R theta. You can write also I is equal to R. Means angle of incidence is equal to the angle of reflection. The next one is incident ray. It is a normal on the plan. It is a normal on at the incidence. जहाँ पे ray incidence हो रही है उसका क्या? It is a normal incident ray. The normal to the mirror at a point of incidence and the reflected ray lies on the same plane. ये तीनों किस पे? Same plane पे. Incident ray, normal and reflected ray lies on same plane. First off, I explain about the configuration of mirror like that. It is a concave mirror. Now it is a principal axis passes through the pole. P is a pole of the mirror. Here it is a aperture mn is a aperture. It is a f is focus. It is a c center of the
करवेट सर पी पोल एफ फोकस सी सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ द कर्वेचर नाउ डिस्टेंस बिटवीन द एफ एंड पी इज नोन एज द फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड सी इज नोन एज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर देन वी गेट एफ पी एफ पी मीन्स एफ एफ इज नोन एज द फोकल लेंथ F is known as the focal length. CP, CP means distance between C and P means R. R is the radius of curvature. Radius of curvature. If any object placed suppose beyond C, it is an object place. Object place. ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी है तो इसका इमेज क्या मिलेगा बिटवीन सी एंड एफ बिटवीन सी एंड यहाँ पे कहीं इसका इमेज मिलेगा बिटवीन सी एंड एफ लाइक दैट इमेज का मिल रहा है बिटवीन सी एंड एफ इट इज द इमेज ओके तो ऑब्जेक्ट प्लस का है बियॉन्ड सी इमेज मिल रहा है बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज की जो हाइट है तो इमेज का जो डिस्टेंस है उसको क्या लेंगे बी बी क्या है इमेज डिस्टेंस और यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस यू इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी इज ए इमेज डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से इतना होगा वो क्या है यू और बी क्या है इमेज डिस्टेंस पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होगा इट इज ए बी आई होप यू नो वेरी वेल formula for mirror mirror का formula क्या है 1 upon f equal to 1 upon b plus 1 upon u तो f क्या है इसमें focal length है क्या है focal length focal focal length जो है कौन से mirror के लिए कैसी मिलेगी नेगेटिव मिलेगी और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव मिलेगी तो बी क्या है इमेज डिस्टेंस यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ इज फोकल लेंथ बी इज इमेज डिस्टेंस यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये क्या है फॉर्मूला फॉर मिरर इससे हम अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा तो फोकल लेंथ डिफाइन करेंगे एनी टू गिवन एंड फाइंड ऑफ नेक्स्ट नाउ इट इज द प्राइमरी इंस्ट्रक्शन फॉर द मिरर इमेज फॉर्मुलेशन ऑफ कॉनकेव मिरर There are generally six cases in the image formulation of concave mirror. The first case is object placed at infinity. Object placed is at infinity. Object placed infinity. Image placed. Image come in at F. It is an object placed at infinity. Image place is at F means focus. At F focus. Now nature is the image real and inverted. Real and inverted. Size is
point size or highly dimensionalized. Highly dimensionalized. First off, we see here. It is a concave mirror. P, it is a pole. F is a focus. C is a center of the curvature. P is a pole. F is a focus. C is a center of the curvature. ML is a aperture. ML is a aperture. And AB is the height of the object. AB is height of the object. It is a height of the object. MN is aperture, P is a pole, F is focus, and C is the center of the curvature. The distance between P and F is known as the focal length. Distance between P and C, center of the curvature, is known as the radius of the curvature. It is a focal length, F, it is a radius of curvature, R, means R is equal to 2F, first F and second F, R is equal to 2F. I explain you in the next time. So, in the first case, object at an infinity, uska image ka mil raha hai, at a focus mil raha hai, bahut chota hai, highly dimensional, matlab we can see uska nature kaisa hai, real and inverted. Now, object ka beyond C. ऑब्जेक्ट प्लस सेकेंड केस के लिए ऑब्जेक्ट प्लस बियॉन्ड सी इमेज का मिल रहा है बिटवीन सी एंड एफ एडेस इज हाइट ऑफ द इमेज एवी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सो इट इज एच एंड इट इज एच डैश इमेज प्लस का मिल रहा है between C and F, center of curvature and focus. Nature कैसा होगा इसका real and inverted. Skin पे क्या हो रहा है seen हो रहा है. Size क्या है इसका देखा ये object का size कितना बड़ा है image का size आपको दिख रहा है छोटा है image की height a dash b dash is a height of the image, AB is height of the object. कौन सी height छोटी है? तो image की height छोटी है. Means dimensional. Size क्या है इसका? Dimensional. Next case, object at a point C means center of the curvature. It is a object. Object place case क्या कहाँ है? Object place at C. Object place at सी इमेज कहां मिल रहा है इमेज भी सी पे मिल रहा है देखो ए बी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश इज हाइट ऑफ द इमेज इमेज प्लस एट सी सेंटर ऑफ द कर्वेचर नेचर रियल एंड इन्वर्टेड नेचर नेचर कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड और इसका साइज क्या होगा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही साइज इसका इमेज का ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश मींस सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नाउ हियर वी कंप्लीटेड द थ्री केसेस देखो कैसे मिल रहा है फर्स्ट का है ऑब्जेक्ट प्लस एट इनफाइनिटी सेकेंड का है बियॉन्ड सी थर्ड वन का है एट सी इसके बाद का आएगा बिटवीन सी एंड एफ उसके बाद आफ्टर दिस एट एफ आफ्टर दिस बिटवीन एफ एंड पी जनरली देयर आर थ्री केसेस ऑफ द इमेज फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्केव मिरर द फोर्थ केस इज ऑब्जेक्ट प्लेस का है बिटवीन सी एंड एफ कहां दिख रहा है आपको बिटवीन सी एंड सी एल ऑब्जेक्ट प्लस बिटवीन सी एंड एफ इमेज क्या दिख रहा है आपको इमेज देखो ये दिख रहा है ए डैश बी डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज एच डैश एंड इट इज एच इमेज जब
ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी है, इमेज की हाइट छोटी है? ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी है, इमेज की हाइट बड़ी है। मींस क्या मिलेगा? इमेज एनलार्ज मिलेगा। पर इमेज प्लस का है, बियॉन्ड सी ए का, बियॉन्ड सी नेचर क्या मिलेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इसका साइज क्या होगा? दोनों में किसका साइज बड़ा दिख रहा है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का हाइट बड़ा है, क्या मिलेगा? एनलार्ज। नाइन सिक्स केसेस, ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट प्लस एट एफ, ऑब्जेक्ट प्लस एट एफ, इमेज क्या मिल रहा है? मिल ही नहीं जाए, ये दो रे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही एक दूसरे को, मतलब कहां तक जाएगी? इनफाइनिटी तक जाएगी। इमेज प्लस क्या हो जाएगा? इनफाइनिटी। अगर ये रेस जहां इंटरसेक्ट करती है पैरेलल बीम की, तो वहां पे ही इमेज मिलता है। अगर वो सीन होता है स्क्रीन पे तो कैसा रियल इमेज होता है, स्क्रीन पे सीन नहीं होता है तो वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, तो इसका नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसका साइज क्या है? जब वो इन्फाइनिटी में दिखेगा तो साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज। लास्ट केसेस, ऑब्जेक्ट प्लस का है, वी कैन सीन इन फिगर बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट प्लस बिटवीन एफ एंड P. इमेज क्या मिल रहा है? बिहाइंड मिरर, इमेज प्लस बिहाइंड मिरर। अब बिहाइंड मिरर में क्या मतलब? सीन होगा स्क्रीन पे? नहीं होगा। स्क्रीन पे सीन नहीं होगा तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पहले क्या था? रियल इन्वर्टेड था, अभी क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। साइज क्या मिल रहा है इसका? दिख रहा है ना साइज? ए बी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच, इट इज द हाइट ऑफ द इमेज एच डेस। तो कैसा साइज दिख रहा है? एन लार्ज दिख रहा है ना? तो फिगर में दिख ही जाएगा आपको फॉर्मुलेशन में कि साइज कैसा है इमेज का। अगेन आई एक्सप्लेन यू फॉर एवरी सिक्स केसेस, फर्स्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एन इनफाइनिटी, देन द पैरेलल बीम इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट एफ, मीन्स ऑब्जेक्ट प्लस का है, इनफाइनिटी का है, इमेज प्लस एफ पे मिलेगा, इमेज स्क्रीन पे सीन हो रहा है, मतलब रियल इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज मिलेगा, हाइट क्या मिलेगी इमेज की? पॉइंट साइज मिलेगी। इन सेकेंड केस ऑब्जेक्ट प्लेस इज बियॉन्ड सी, इमेज मिल रहा है बिटवीन सी एंड एफ, हाइट ऑफ द इमेज कैसी मिल रही है? स्मॉल मिल रही है, ऑब्जेक्ट से दिख रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट एवी है और इमेज की हाइट क्या है? एडेस मीडियस है, हाइट ऑफ द इमेज इज डायमेट टू द ऑब्जेक्ट, छोटी मिल रही है उससे। ठीक है, और नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए सी, इमेज प्लेस एट ऑल्सो सी। अब नेचर क्या है? रियल एंड इनवर्टेड, और साइज भी क्या मिलेगा? दोनों का सेम मिलेगा, सेम साइज। फोर्थ वन इज द ऑब्जेक्ट प्लेस इज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज क्या मिलेगा? बियॉन्ड द सी, नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड, और हाइट कैसी होगी इसकी? ऑब्जेक्ट इमेज की एनलार्ज होगी। फिफ्थ केस के लिए ऑब्जेक्ट प्लेस एट एफ, इमेज प्लस कहां जाएगी? क्योंकि दोनों रे लाइट बीम एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इमेज प्लस जाएगा इनफाइनिटी, नेचर होगा रियल इन्वर्टेड, और जो इमेज का साइज होगा वो हाईली एनलार्ज होगा। और ऑब्जेक्ट प्लस का बिटवीन एफ एंड पी, इमेज प्लस
बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे मिरर है, मींस वो सीन नहीं होगा, कहां स्क्रीन पे सीन नहीं होगा, नेचर क्या होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साइज क्या होगा देखो ये भी इसका साइज है ऑब्जेक्ट का और इट इज बिगेस्ट इमेज का साइज बड़ा है दिख रहा है, साइज क्या होगा एनलार्ज होगा, इट इज द इमेज फॉर्मुलेशन फॉर कॉनकेव मिरर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनता है इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, व्हाई व्हिच इज द रीजन, द रीजन इज द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, जब भी इमेज मिरर के पीछे पड़ता है बिहाइंड द मिरर पड़ता है देन इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा, द इमेज फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मीन्स इट इज ए प्लेन मिरर जो है लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नॉन एज द लेटरली इन्वर्टेड। रेडी फर्स्ट विच इज कॉल्ड द मिरर, तो आ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर, दैट इज द मीन्स इट इज ए स्फीयर देन वी टेक देयर दिस पार्ट्स एंड पॉलिश्ड देन इट इज नॉन एज पॉलिश्ड आउटसाइड एंड कर्व्ड इनवर्ड्स सो इट इज नॉन एज द कॉनकेव मिरर, इट इज नॉन एज कॉनकेव मिरर बिकॉज पॉलिश्ड आउटसाइड एंड कर्व्ड इनवर्ड्स, हियर दिस साइड कर्व्ड इनवर्ड्स आउटवर्ड्स एंड पॉलिश्ड इनसाइड नॉन एज द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। Now see here, concave mirror, a spherical mirror with the reflecting surface curved inwards and polished up outwards is known as the concave mirror. Example, headlight of the vehicles. Which is called the convex mirror, a spherical mirror with reflecting surface curved outwards and polished up outside is known as the curved outwards and polished inside. So the polished inside is known as convex mirror. Example side glass of the vehicles. जो concave mirror होगा उसका curved कैसा होगा? Inwards होगा और polished outside होगा. तो कैसा होगा? Concave mirror होगा. अगर उसका curved outwards है और polished inside है तो कौन सा mirror होगा? Convex मिरर होगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। रेडी नाउ वी सी मैग्निफिकेशन फॉर द मिरर, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज डोनेटेड बाय एम, मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय m, m equal to h dash upon h, h dash is the height of the image, h dash is equal to height of image, h is equal to height of object, that means the ratio of the height of the image to the height of the object is known as the magnification, the another formula is also for the mirror magnification minus b upon u. What is the b? B is a object distance, d is a image distance and u is a object distance. It is also formula for magnification. Then we compare both the formula also h dash upon h equal to minus b upon u. We use this formula in some examples also. Ready. Now we have to see formula for mirror. What is the formula for mirror? Is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. F, what is f? F is focal length. B is image distance,
image distance. U is object distance. I asking a question. F focal length. फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए होगी और नेगेटिव किसके लिए होगी? पॉजिटिव किसके लिए होगी और नेगेटिव किसके लिए होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैंने इस वीडियो में पहले आपको बता दिया है। नाउ इट इज अ वेरी यूजफुल फॉर सम। रेडी। नाउ वी हैव सीन द रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। देन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द डेंस मीडियम टू थिन मीडियम और थिन मीडियम टू डेंस मीडियम, देन इट रिफ्लेक्ट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। व्हेन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू थिक मीडियम टू थिन मीडियम और थिन मीडियम टू थिक मीडियम, देन इट रिफ्लेक्ट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। हाउ? Here we seen that it is a water. This is, its medium is water. N2. Next, it is a reflect incident ray. It is a incident ray. Reflect. तो ये कैसी स्ट्रेट जानी चाहिए, लेकिन ये क्या स्ट्रेट नहीं जाती है, स्ट्रेट नहीं जाती है। देन इट्स मीडियम है, इट्स नॉर्मल। इट इज ए मीडियम N1 इज ए मीडियम वन हियर। इट इज ए मीडियम टू N2 वॉटर। V1 इज वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीडियम वन। V2 इज द वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीडियम टू। C इज द स्पीड ऑफ लाइट। फर्स्ट सीन हियर डेफिनेशन। व्हेन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट रिफ्लेक्ट्स। दिस प्रोसेस नोन एज द रिफ्लेक्शन। नाउ हियर वी सीन दैट इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द एयर मीडियम टू वाटर मीडियम, मींस मीडियम चेंज कर रहे, देन इट रिफ्लेक्ट्स। दिस प्रोसेस नोन एज द रिफ्लेक्शन। इट इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। इट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। मीन्स दैट मीडियम चेंज कर रही है, इंसिडेंट रे क्या कर रही है, मीडियम चेंज कर रही है, थिन मीडियम टू थिक मीडियम और थिक मीडियम टू थिन मीडियम। तो जो एयर है, एयर का मीडियम कैसा है, थिन है। एयर का मीडियम कैसा है, थिन है। वॉटर का मीडियम कैसा है, थिक है। मीन्स इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द थिन मीडियम टू थिक मीडियम और थिक मीडियम टू थिन मीडियम, देन इट रिफ्लेक्ट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। N1 इज द फर्स्ट मीडियम, N2 इज अनदर मीडियम, B इज द वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, V2 इज वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, देन इट इज द रिफ्लेक्शन। नाउ विच इज कॉल्ड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। विच इज कॉल्ड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। सी हियर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीन्स N2 फर्स्ट मीडियम का सेकेंड मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या मिलेगा, N2/N1 एंड ऑल्सो N2/N1 इज इक्वल टू sin I/sin R। I means incident ray, R means reflected. I means incident ray and R is the reflected ray. Both are the ratio have in sine function. Both have ratio have in sine function. Then N1 is equal to CYV1, N2 is equal to CYV2. Then we get N21 is equal to CYV2, CYV1, then N21 is equal to, we get V1/V2. Now we can write also that compare the equation 1 and equation 2. Compare
equation 1 and 2. N2 upon N1 is equal to sin I upon sin R. Then we get N1 sin I is equal to N2 sin R. N1 sin I is equal to N2 sin R. It is known as Snell's law. एग्जाम में पूछा जाता है स्नेल्स लॉ डेराइव करने का, तो आप लोग डेराइव कर सकते हैं. यू कैन डेराइव स्नेल्स लॉ यूजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एन टू वन इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन. एन टू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. कंपेयर द बोथ द इक्वेशन देन वी गेट द स्नेल्स लॉ. एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आई साइन आर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस. इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज ए यूनिटलेस. Ready. Now we have to see the image formulation of the convex mirror. In last lecture, I explained you convex mirror equal to concave lens. मतलब उन दोनों की कंडीशन जो भी है वो कैसी है, सेम है. First of object क्या है, at infinity. Object plus at infinity. इमेज प्लस इमेज क्या मिल रहा है, एफ टू पे मिल रहा है, मीन्स एट एफ टू. नेचर कैसा होगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड. और साइज क्या होगा, हाईली डायनेमिक पॉइंट साइज highly dimensional. How? It is an object at infinity. Okay. Image we get at F2. F2 पे क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है. इमेज का देखो साइज क्या, पॉइंट साइज है, ठीक है, पॉइंट साइज है. और कैसा मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ इट सी इन द सेकेंड केस. इमेज कहाँ मिल रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी. ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी. इमेज कहाँ मिल रहा है, बिटवीन सॉरी बियॉन्ड टू एफ वन. ऑब्जेक्ट है बिटवीन बियॉन्ड टू एफ वन. इमेज कहाँ मिल रहा है, बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू. इमेज कहाँ मिल रहा है, ओके. देखो इमेज कैसा मिल रहा है, इससे छोटा है. तो ऑब्जेक्ट का इमेज उससे कैसा है, छोटा है. मींस ऑब्जेक्ट प्लस बियॉन्ड एफ टू. इमेज प्लस बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू. नेचर क्या मिलेगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड. नेचर रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा, ठीक है. अब जो हाइट है, ए बी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज. तो इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कैसा है, छोटा है. साइज डायमेंशनल और स्मॉल. Now we see in third case object का at 2f2. Object का at 2f2. Image क्या मिल रही है, also at 2f2. Object भी 2f2 पे, image भी 2f sorry object 2f1 पे है, image का है 2f2 पे. Object plus ऑब्जेक्ट प्लस टू एफ वन. इमेज प्लस टू एफ टू. नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. साइज क्या है,
देखो साइज देखो दोनों का क्या सेम है, ए बी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एड एस बी डी इज द हाइट ऑफ द इमेज, तो क्या है सेम साइज है, जो भी जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज का साइज मिलेगा। नाउ नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एफ वन, बिटवीन टू एफ वन एंड एफ वन है, इमेज क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है बियॉन्ड टू एफ टू, बियॉन्ड टू एफ टू, नेचर क्या होगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, देखो साइज ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ए बी, और इमेज का साइज क्या है, एडेस बी डेस, साइज बड़ा है, एनलार्ज्ड, कैसे एनलार्ज्ड है, ओके। नाउ इन नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट है एट एफ वन, ऑब्जेक्ट एट एफ वन, इमेज क्या है एट इनफाइनिटी, एट इनफाइनिटी, बिकॉज ऑफ द पैरेलल बीम डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जो रे और से उस दूसरे क्या इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, नेचर क्या है रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, साइज क्या है हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो कहां से इमेज दिखने वाला है, उसका हाईली एनलार्ज होगा। इन लास्ट केस, ऑब्जेक्ट प्लेस का है बिटवीन एफ वन एंड ओरिजिन, ओ इमेज बिहाइंड लेंस और सेम साइड ऑफ द लेंस, यू कैन राइट आल्सो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज क्या मिलेगा एनलार्ज, एनलार्ज। सी हियर इन द फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट प्लेस इज एट इनफिनिटी, इमेज प्लेस इज एट एफ टू, देन साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज एंड नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन द सेकेंड केस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द टू एफ वन, इमेज वी गेट बियॉन्ड बियॉन्ड टू एफ वन, इमेज बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू, एफ टू एंड टू एफ टू, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज देखो इसका इमेज ए बी और इसका एड्रेस बी डेस, तो कैसे राइट हैंड साइड छोटा है। थर्ड केस ऑब्जेक्ट प्लस टू एफ वन, इमेज प्लस टू एफ टू, साइज ऑफ द इमेज आर सेम इक्वल एंड नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन फोर्थ केस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू एफ वन एंड एफ वन, इमेज बियॉन्ड टू एफ टू, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन टू द इमेज, मतलब इमेज का साइज क्या है बड़ा एंड लार्ज है, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। इन फिफ्थ केस द ऑब्जेक्ट प्लेस एट एफ वन, इमेज प्लेस एट इन्फाइनिटी, बिकॉज द रेस्ट डज नॉट इंसिडेंट है, डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अनदर पॉइंट, सो इमेज कैसा मिलेगा हाईली एनलार्ज मिलेगा और रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा। नाउ इन द लास्ट केस ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ वन एंड ओरिजिन, इमेज बिहाइंड द लेंस और इन फ्रंट ऑफ द लेंस, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज क्या मिलेगा एनलार्ज मिलेगा। हियर वी हैव सीन इमेज फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, रेडी। नाउ वी हियर सीन द डिफरेंस बिटवीन द मिरर एंड लेंस, फॉर्मूला फॉर मिरर इज 1 अपॉन f = 1 अपॉन v + 1 अपॉन u, and formula for lens is equal to 1 upon f is equal to 1 upon b minus u, f is the focal length with the image distance, u is the object distance. Now magnification of m is equal to minus b upon u for the mirror is equal to f dash upon h, f dash is the height of the image, h is the height of the object, b is the image distance, u is
object distance. Magnification for the lens, m is equal to v upon q, equal to s dash upon h. Now, if the magnification is negative, then image kaisa milega uska? Real milega. Image kaisa hoga? Real hoga. Magnification ki value positive milegi, to uska image kaisa milega? Virtual milega. Kaisa milega? Virtual milega. Aur magnification ki value 1 hogi, to mirror kaisa hoga? Plane mirror. Plane mirror ka magnification kya hai? 1 hai. Now, we have to see the power of lens. Power of lens. Power of lens P is equal to 1 upon F. If the power of the lens is negative, then P is the concave lens. If the power of lens is positive, then P is the convex lens. Means focal length positive hogi, lens kaisa hoga? Convex lens hoga. Focal length negative hogi, to kaisa hoga? Concave lens hoga. It is very useful for your examples. Now in the next lecture, we